उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो जैसे आप सबको पता है कि लड़कियों को बैग्स और शूज़ बहुत पसंद होते हैं, उनके पास जितने भी बैग्स और शूज़ हों उनको कम होते हैं। सो जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी शूज़ के रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाएँ और देखें और उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो आज की हमारी वीडियो है बैग से रिलेटेड। सो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी बैग की कलेक्शन कि मेरे पास कौन कौन से बैग हैं और आपको आप उनको किन ड्रेसेस के साथ किस तरह वेयर कर सकते हैं, कौन से आप फॉर्मल ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं, कौन से इनफॉर्मल, कौन सा आप आउटिंग के लिए, किस तरह भी है, सब बैग की कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास हैं इस वक्त। सो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं, चले आएँ। चले फ्रेंड्स आएँ, एक दफ़ा मैं आपको अपने बैग्स का ओवरव्यू दिखा देती हूँ, सब बैग्स एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे बैग्स दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से कलर में और कौन कौन से बैग हैं। सो ये आप देख लें सारे, इसके बाद एक एक करके सब बैग दिखाते हैं। जी ये ओवरव्यू था, बैग दिखाती हूँ तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये है नेवी ब्लू कलर का रैगजीन का बैग। सो जिस ये शाइन से आपको पता चल ही रहा होगा कि रैगजीन का बैग है, इसको हम हैंड भी कैरी कर सकते हैं और इसको हम शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं, और फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेसेस दोनों के साथ हम इसको कैरी कर सकते हैं। जी तो अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट बैग। जी जैसे कि ये नेक्स्ट बैग आपको नज़र आ रहा होगा, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इसका स्नैक का, मतलब स्नैक स्टाइल का, तो ये इस पर इस तरह का बना हुआ है और ये इस पर बटरफ्लाइज की लगी हुई है और ये ब्लू सा और ये ग्रीन कलर में एक्चुअली। सो ये बहुत एलिगेंट सा और नफीस बैग है। एक्चुअली ये जो सा है हमें गिफ्ट मिला था दुबई से, मैं गिफ्ट आया था तो बहुत खूबसूरत है। इसको आप हैंड पे भी कैरी कर सकते हैं, इसकी लॉन्ग स्ट्रिप है तो इसको आप शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं फॉर्मल ड्रेसेस के साथ। जी तो ये जनसा बैग है, ये येलो कलर में है। बहुत से येलो कलर होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बहुत प्यारा सा येलो कलर है जिसको आप फॉर्मल ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। ये भी हैंड में कैरी कर सकते हैं, इसे शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं, इसकी लॉन्ग स्ट्रिप है। तो ये भी बहुत प्यारा सा बैग है और काफ़ी कुछ इसमें आपका भी जाएगा। चलिए अब जी तो ये नेवी ब्लू कलर के दो बैग और हैं, जैसे कि आपको सेम सेम नज़र आ रहे होंगे। तो ये फिर हमारे जैसे अपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमारे बहुत सारे शूज़ भी जो उनसे थे वो भी सेम सेम थे, मतलब बहुत सारे शूज़ सेम सेम थे। इसी तरह हमने बैग भी ट्विन की हुई है, बैग में भी बहुत सारे बैग्स हमारे हैं जो मतलब बहुत सारे तो नहीं है होंगे कुछ जो हमारी ट्रेनिंग की हुई है। तो ये भी आपको इसको हैंड में कैरी कर सकते हैं और ये काफ़ी ही मतलब इसमें काफ़ी जगह हुआ है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। हम यूनिवर्सिटी मोस्टली इसको कैरी करके ले जाते हैं, काफ़ी इजी है। जी जैसे कि पिछले दो बैग दिखाए हैं वो नेवी ब्लू थे, और मैं एक बार बताना भूल गई हूँ वो दोनों बैग ईरान से लिए थे, वो लेदर के बैग्स थे और ये दोनों बैग भी ईरान से ही हमने लिए हैं। तो जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे ये कलरफुल बैग जो उनसे हैं, तो ये भी हमने ट्विनिंग की हुई है, तो ये बहुत ही प्यारे बैग्स हैं। ये तो आप हर ड्रेस के साथ इनको वेयर कर सकते हैं, और ये शोल्डर बैग्स हैं तो बहुत ही सॉफ्ट से हैं और कपड़े के बने हुए हैं बस। जी तो जैसे ये कलरफुल बैग है, इनके साथ हमने सेम मैचिंग की थी और हमने इनके साथ सेम शूज़ भी लिए थे, आपने अगर हमारी वीडियो में देखा होगा तो, वो भी कपड़े के बने हुए थे और वॉशेबल थे, ये भी वॉशेबल हैं, बहुत ही प्यारे बैग्स हैं। जी ये भी एक लेदर का बैग है ब्राउन कलर में, जैसे कि आजकल ये फैशन चला हुआ है स्ट्रिप्स का, तो ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्यूट सा बैग है। इसको आप पैंट शर्ट के साथ फ्रॉक्स के साथ वेयर कर सकते हैं और इसकी लॉन्ग इसको हैंड में भी वेयर मतलब आप कैरी कर सकते हैं, और लॉन्ग स्ट्रिप है इसको आप शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं। जी तो जैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत डार्क ग्रीन कलर सा बैग है, तो ये भी टैगजीन टाइप और लेदर टाइप मिक्स उसमें है शाइन भी, तो जैसे आपको शाइन नज़र आ रही होगी, और ये इसका ये ऐसे बैग है। तो जी तो जैसे इसको हम शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं, तो इसको मैं मोस्टली जो सा यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए मतलब इस्तेमाल करती हूँ, तो काफ़ी ईजी है ये। जी तो नेक्स्ट बैग जो आपको नज़र आ रहा है तो ये मैरून कलर में है और ये सीके का बैग है, और ये देखें तो ये भी इसको भी आप हैंड पे भी कैरी कर सकते हैं और शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं, ये लेदर का बैग है। तो ये मेरी अम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था, तो आजकल ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है जो मैं बहुत ज़्यादा कैरी कर रही हूँ। जी जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक बैग तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। सो ये भी लेदर का बैग है, छोटा सा है और बहुत कंफर्टेबल है, शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं इसको,
और हैंड भी कैरी कर सकते हैं। तो इसको मार्केट वगैरह, ग्रोसरी वगैरह के लिए, यूनिवर्सिटी में, मतलब कहीं भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। जी जनाब, जैसे कि आपको पता है कि बीच में एक डिजिटल डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा फैशन चला था, डिजिटल कपड़ों का, डिजिटल शूज़ का और डिजिटल बैग्स का। तो ये तब मैंने लिया था, तो ये आप इनको फॉर्मल ड्रेसेस के साथ मैंने कैरी करने के लिए लिया था। जी, तो ये एक और डिजिटल डिज़ाइन बैग है। तो ये थोड़ा शीट में और शाइनिंग में है, इसकी लॉन्ग स्ट्रिप है वो इसके अंदर ही है, तो इसको इस तरह कैरी कर सकते हैं। ये रेड कलर में बैग है, तो ये भी बहुत अच्छा सब प्यारा सा बैग है। ये लेदर में है, बहुत सॉफ्ट इसकी लेदर है, इसको भी इसके साथ भी लॉन्ग स्ट्रिप है। जी, जैसे कि आपको ये कलरफुल बैग नज़र आ रहे होंगे, तो ये येलो क्रीम कलर का सब बैग है, मतलब हर ड्रेस के साथ, जाहिर अब जितने बैग्स हों उतने काम है, बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं इनका पहनना होता है। तो ये भी छोटा सा बैग है, मतलब ईजीली आप इसको कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में या ग्रोसरी वगैरह या बिल्डिंग वगैरह के लिए। ये भी सेम इसी तरह का भी लॉन्ग स्ट्रिप है। जी, तो ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट बैग है। इसके ऊपर ये बीट्स जो नज़र आ रही है, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत एलिगेंट सा बैग है। ये लेदर का बैग है, बहुत सॉफ्ट सी इसकी लेदर है, लॉन्ग स्ट्रिप के साथ है। तो ये मेरी अम्मो ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो पहली बार ईरान गई थी, तो ये वहाँ से मेरे लिए लाई थी। जी, ये बैग जो सा है, बहुत छोटू सा और बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा है। तो इसके साथ इस तरह की स्ट्रिप है ये ऐसे। तो ये कौन सा बैग है, आप मतलब हर ड्रेस के साथ तो नहीं कैरी कर सकते, और वैसे भी आजकल इस कलर का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। तो ये बैग जो सा है, आप मोस्टली जीन्स शर्ट के साथ या लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ, मतलब गले में डाल के क्रॉस में, उस तरह आप इसको कैरी कर सकते हैं। जी, तो ये मेरा जो बैग है, ये मोस्टली मैं जो बैग है अपना ट्रिप्स वगैरह पे जाने के लिए, फैमिली ट्रिप्स या यूनिवर्सिटी ट्रिप्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखें, तो इसको मतलब बैग पे कैरी करना बहुत इजी होता है, और इसके अंदर मैं अपनी बहुत चीज़ें डालती हूँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं, इसके अंदर डाल लेती हूँ। जैसे कि अभी भी आपको बहुत फील हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। जी, तो जैसे आपको ये बैग नज़र आ रहे हैं, तो ये भी यूनिवर्सिटी में मोस्टली कैरी करके लेके जाती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता होता है कि बुक्स वगैरह हाथ में कैरी करना आसान नहीं होता, तो इसमें बुक्स आ जाती हैं। और ये दोनों बैग, ये जो सा है लेदर का है, थोड़ी हार्ड लेदर और शाइनिंग लेदर में है, ये भी ईरान से हम लाए थे। और ये जो सा है, इसका मुझे याद नहीं है, बॉर्जन या मेट्रो का है, और ये बहुत प्यारा सा बैग है। इसके ऊपर भी बीड्स जो से लगे हुए हैं पर्ल टाइप, तो बहुत प्यारा, ये भी लेदर का बैग है। जी, तो ये जैसे ग्रे के आपको शेड्स नज़र आ रहे होंगे, ग्रे कलर बहुत प्यारा लगता है, ये लाइट ग्रे है, ये थोड़ा उससे डार्क है, और ये थोड़ा उससे डार्क है। तो ये जो सा ग्रे कलर है, ये हमने मिनीसो से लिया था, इतना क्यूटू सा छोटू सा है, तो बहुत मज़े का है। उसके अलावा फिर ये वाला बैग जो सा है, ये फर में जैसे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी हमने मिनीसो से ही लिया था। तो ये ग्रे में थर्ड शेड है, तो ये भी लेदर का बैग है, और ये हमने बेसिकली ईरान से ही भी हमने लिया था। जी, ये भी बैग पे कैरी करने के लिए बैग है, और ये जो उनसे बैग है, ये भी लेदर का बैग है, तो ब्लैक कलर में है, और इसके ऊपर ऐसे प्रिंट सा, सेल्फ प्रिंट सा बना हुआ है, बहुत क्यूट सा, ये भी बहुत प्यारा सा बैग है। तो ये ऐसे है, तो ये मोस्टली मैं यूनिवर्सिटी ही लेकर जाती हूँ इसको। अब ये जो उनसा क्लच है, ये मतलब ये बॉर्जन से लिया था, इसके ऊपर ऐसे ये बना हुआ है, और ये ऐसे मतलब ओपन हो जाता है, ऐसे ही ओपन हो जाता है, इसके अंदर मतलब चेन साइड पे हैंग करने के लिए। तो ये मैं मतलब आप फंक्शनल ड्रेसेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये जो उनसे दो बैग नज़र आ रहे हैं, मतलब पाउच नज़र आ रहे हैं, मतलब मार्केट जाने के लिए ये वैसे ही बहुत इजी हैं। तो ये हमने सवात से लिए थे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि हैंडमेड है। तो ये जैसे ग्रोसरी करने के लिए जाना हो, मोबाइल डालने के लिए, अपने कार्ड्स वगैरह डालने के लिए, ये हमारे सिंपल से वॉलेट्स हैं। ये मतलब अपने जस्ट अपने पैसे वगैरह, मोबाइल वगैरह कैरी करना हो, तो उसके लिए ग्रोसरी वगैरह पे जाना हो, तो साइड पे हैंग कर सकते हैं क्रॉसिंग में। जी, जैसे कि आज की वीडियो अब हमारी खत्म को पहुंचती है, ये हमारे बिल्कुल लास्ट पे है। जैसे स्टार्ट में बिल्कुल हमने हैंड बैग दिखाए, फिर शोल्डर बैग्स दिखाए, और एंड पे बैग वाले दिखाए, अब ये जो पाउचेज थे ये दिखाएँ। तो हमारी वीडियो का ये आज यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बैग्स पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बैग अच्छा लगा और कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।